हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्वागत करता हूँ मैं आपका आज के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। यदि आप लोग मुझे ढंग से सुन पा रहे हैं तो मैसेज के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करके बताएं कि हाँ सर, जो ऑडियो है वो क्लियर है। जैसा कि काफ़ी सारे जुड़ चुके हैं ऑनलाइन अभी, तो मैं सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून कहना चाहता हूँ और सभी को कहना चाहता हूँ कि एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करके बता दें वो क्लियर है क्या। आपको हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, मेरी जो लैपटॉप की स्क्रीन है, वो क्लियर दिखाई दे रही है? वीडियो की स्क्रीन स्टूडेंट, जस्ट हम 1 मिनट के अंदर अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जस्ट हम वेट कर रहे हैं कि कुछ और जो स्टूडेंट है हमसे जुड़ना चाहते हैं वो भी एक बार हमसे जुड़ जाएं, और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू कर पाएं। जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन आ चुके हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वो लाइक का बटन दबा दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो आने वाली जो हमारी क्लासेस है उनकी उनसे लाइव कनेक्ट हो पाएँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी 20 मुझे 20 स्टूडेंट ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट आप सब रेडी हैं तो मुझे मैसेज में कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें कि यस सर, कि हाँ। तो फिर हम लेक्चर अपना जो आज का हमारा जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। क्या आज का हमारा जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करें हम? क्या सभी जो स्टूडेंट है वो आ चुके हैं?
एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करके बता दें कि आज का हमारा जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या इसको हम स्टार्ट करें या फिर कुछ टाइम वेट करें। काफ़ी कम स्टूडेंट का मैं मैसेज देख पा रहा हूँ। हाँ सर, यस सर, ठीक है, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें। यस, चलो तो हम आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस। एक बार फिर से गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है यूनिट सेकंड। ठीक है, और इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आता है पॉइंटिंग डिवाइसेस। हमारी जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है, मेरी जो लैपटॉप की स्क्रीन है, वो आपको क्लियरली दिखाई दे रही है क्या? जो टॉपिक लिखा हुआ है पॉइंटिंग डिवाइसेस, एक बार मैसेज में कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें ताकि हम इसे कंटिन्यू कर पाएँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, तो आज हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। कि सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस। कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करके बताएं कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल बताएं हमें। यदि जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करके बता दें एक बार कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। ये हम अपनी जो पिछली जो क्लासेस है हमारी, जैसे आप अभी लोग अभी अब 9th क्लास में आए हो, तो 6th से लेकर 8th क्लास के अंदर ये सारी की सारी जो टॉपिक्स वगैरह ये पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे किया कि व्हाट इज पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस। देखो, पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, स्क्रीन का मतलब है यह है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है या फिर लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसके ऊपर पॉइंट करने के लिए, किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर एग्जाम्पल आता है, सबसे पहला हमारा जो कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है वो है माउस, सेकेंड आता है जॉयस्टिक, थर्ड आता है लाइट पेन, फिर आता है टच पैड और फिर आता है ड्रॉ बॉल। तो ये सारे के सारे जो डिवाइसेज हैं, ये सारे के सारे डिवाइसेज किस में आते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेज के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि जब पॉइंटिंग डिवाइसेज, सबसे पहला जो पॉइंटिंग डिवाइसेज है वो है हमारा माउस। तो माउस के बारे में, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, वो पर्टिकुलर किस काम के आता है, स्क्रीन के ऊपर प्लेस करने के लिए और वहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए, एक या एक से ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो माउस का जो काम है वो काम है कि जो भी मेनू होता है उसको सेलेक्ट करता है, जो भी कमांड्स होते हैं उनको वो सेलेक्ट करता है, जो विंडोज़ होती है हमारी उसको रिसाइज करता है। वो रिसाइज का मतलब ये है कि उसको मिनिमाइज करता है, उसको मैक्सिमाइज करता है और उसको क्लोज करने का काम आता है। और थर्ड चीज आती है सेलेक्टिंग एक्शंस, जो भी एक्शंस हैं हम माउस की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पे जो आइकन्स बने होते हैं, जो डेस्कटॉप पे जो वेरियस फाइल्स और फोल्डर्स के जो आइकन बने होते हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए, उनको ओपन करने के लिए भी हम माउस का यूज़ करते हैं। माउस जनरली, माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर भी दिख रहा होगा, फिगर 2.3 के अंदर, कि यहाँ पर 3 बटन आपको शो कर रखे हैं। एक बटन है लेफ्ट बटन, दूसरा बटन है राइट बटन और तीसरा बटन है स्क्रॉल व्हील। जनरली आजकल जो माउस आ रहे कर रहे हैं उसके अंदर स्क्रॉल का जो बटन है वो कई माउसों में हमें अवेलेबल मिलता है और कई माउसों में अवेलेबल नहीं मिलता है। तो माउस के अंदर ये 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल व्हील। ठीक है, द लेफ्ट
जनरली बाई डिफॉल्ट यदि मैं बात करूँ माउस की, तो माउस बाई डिफॉल्ट जो उसकी कॉन्फिगर होता है, बाई डिफॉल्ट जो बनता है, वो राइट हैंडेड जो पर्सन होते हैं उनके हिसाब से उसको बनाते करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं सेटिंग चेंज करके। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे हम अपनी जो माउस की जो पोजीशन है, माउस की जो सेटिंग है, वो लेफ्ट हैंडेड पर्सन इसको वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कि जो माउस को जब हम पकड़ते हैं, ठीक है, माउस को जब हम होल्ड करते हैं तो उसकी सही पोजीशन क्या होती है। फिगर 2.4 के अंदर आपको बताया जा रहा है कि पोजीशन ऑफ फिंगर वाइल होल्डिंग द माउस। जब आप माउस को होल्ड करते हो तो आपको अपनी फिंगर्स किस तरीके से रखनी करनी है। ठीक है, तो माउस पॉइंटर, तो माउस को जब आप होल्ड कर रहे हो तो आपको वो जाएगी लेफ्ट बटन पे, ठीक है, और जो मिडल फिंगर है वो जाएगी राइट बटन पे, और थंब और बाकी के जो आपका हाथ है उससे आपको आपको होल्ड करना है माउस को। तो इस तरीके से ये करेक्ट पोजीशन होती है माउस को होल्ड करने की। बहुत सारे स्टूडेंट वैसे जानते करते हैं, सभी स्टूडेंट के माउस को हमें किस तरीके से पकड़ना करना होता है, यदि फिर भी वो इस चीज़ को नहीं जानते तो आज इस लेक्चर के अंदर वो ये चीज़ समझ ले कि माउस को होल्ड करने के लिए जो करेक्ट पोजीशन है, हमारी जो थंब होता है उसके पास जो फिंगर होती है इंडेक्स फिंगर, वो इंडेक्स फिंगर हम रखते हैं किस पे, लेफ्ट बटन पे, और जो मिडल फिंगर होती है वो जाती है किस पे, राइट बटन पे। तो ये करेक्ट पोजीशन होती है माउस को होल्ड करने की। अब बात करते हैं हम माउस के पॉइंटर के बारे में। तो माउस पॉइंटर अलाउज यू टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन। माउस का जो पॉइंटर होता है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा कि आई शेप का, जैसे मैं पॉइंटर को हिला रहा हूँ तो वो आई शेप का बना हुआ है। जब भी किसी टेक्स्ट के अंदर हम माउस पॉइंटर को मूव करते हैं तो वो आई शेप ले लेता है। तो माउस पॉइंटर अलाउज यू टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे पॉइंट करने के काम आता है। अब अलग अलग एप्लीकेशन पे और अलग अलग काम के हिसाब से ये जो अपनी जो पोजिशन है उस पोजिशन को उस अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से किस एप्लीकेशन के अंदर ये पोजीशन इसकी माउस पॉइंटर की चेंज होती है। अब फिगर के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो किस तरीके से माउस की अलग अलग पोजीशन, माउस को होल्ड कर रखा है। एक फर्स्ट जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि माउस की जो इस तरीके से यदि हम माउस को पकड़ते हैं, ये जो फर्स्ट तरीका है, ये माउस को पकड़ने का जो तरीका है वो सही नहीं है। फिर सेकंड जो डायग्राम दिख रहा है, ये भी तरीका क्या है, गलत है। फिर जो थर्ड है, ये भी पोजीशन गलत है, और फोर्थ ये भी पोजीशन गलत है। और माउस को जो सही तरह से हम होल्ड करते हैं, सही तरीके से पकड़ते हैं, उसकी जो सही पोजीशन है वो है ये। तो इस तरीके से हम माउस को करेक्टली होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी हमने बात की थी कि माउस का जो पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर जैसे जैसे हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जब आई शेप, जैसा कि आई शेप कब लेता है, दिस माउस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड ऑन द स्क्रीन, पर्टिकुलरली इफ इट इज़ ओवर टेक्स्ट। यदि हम टेक्स्ट के ऊपर माउस पॉइंटर को मूव करते हैं तो आई शेप ले लेता है। और इसी तरीके से जब हम वेब ब्राउज़र के ऊपर काम करते हैं तो माउस का जो शेप है वो हाथ का बन जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर माउस जो अपना जो शेप वगैरह है वो चेंज कर लेता है। और बाकी जो पॉइंटर है वो हम सेटिंग के अंदर जाके माउस का जो पॉइंटर होता है वो किस तरीके से हमें पॉइंट करना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर उसके लिए क्या पिक्चर हम यूज़ करेंगे, ये सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम माउस से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस की, कि माउस की हेल्प से हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो माउस, ऑल माउस डू नॉट यूज द सेम मैकेनिकल ऑपरेशंस बट ऑल ऑफ देम अकम्पलिश द सेम टास्क। जो मैकेनिकल ऑपरेशंस होता है, जो अंदर का ऑपरेशन होता है हर माउस के अंदर, वो सेम नहीं होता, लेकिन जो टास्क होता है वो सभी माउस सेम परफॉर्म करते हैं। सम ऑफ देम यूज ए ट्रैकिंग बॉल एट द बॉटम। आपने देखा होगा कि कई माउस, अभी तो शायद माउस के अंदर नीचे बॉल नहीं आती, लेकिन पहले कई माउस के नीचे की तरफ बॉल आती थी जिसको हम कहते थे ट्रैकिंग बॉल, और जो बॉटम की तरफ होती थी। एंड सम ऑफ देम यूज ए लाइट बीम टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द माउस। और आजकल हम लाइट बीम मोशन को सेंस करने के लिए, ठीक है।
तो माउस के जो बटन होते हैं उनसे अलग अलग हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लेफ्ट बटन की। तो जो माउस का जो लेफ्ट बटन होता है स्टूडेंट, वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने काम आता है, कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करें कि माउस का जो लेफ्ट बटन है उससे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करें कि माउस का जो लेफ्ट बटन होता है वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है। देखो माउस का जो लेफ्ट बटन होता है वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने काम आता है। सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है सेलेक्शन। फर्स्ट ऑपरेशन होता है सेलेक्शन, मतलब किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट जो बटन होता है उसको यूज़ करते हैं। सेकंड जो ऑपरेशन होता है वो होता है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मतलब किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना और एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करना, उसको ड्रैग करना। और थर्ड है मूविंग एंड फोर्थ है पेस्टिंग। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस है लाइक सेलेक्शन, ड्रैगिंग, मूविंग एंड पेस्टिंग, ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस है हम माउस के लेफ्ट बटन की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माउस के राइट बटन की। तो माउस के राइट बटन से हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी फोल्डर के अंदर होते हैं, किसी भी आइकन के ऊपर होते हैं, किसी भी फाइल वगैरह के ऊपर होते हैं, तो हमें जब उसको ओपन करना होता है तो राइट बटन से हम क्या करते हैं उसको माउस की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। माउस से हम जैसा कि स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं ओपन फाइल्स एंड फोल्डर्स, डिलीट डिलीट, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि माउस की हेल्प से हम ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हम देख पा रहे कर रहे हैं देख रहे हैं वो कर पा रहे हैं। मेक फोल्डर, फोल्डर भी बिल्कुल बना सकते हैं माउस की हेल्प से हम। और कौन कौन से फंक्शन है जो हम माउस की हेल्प से कर सकते हैं। मेक फोल्डर, देखो अपन डिस्कस करते हैं, चलो हम अपन डिस्कस करते हैं कि माउस की हेल्प से हम कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो एक्शन है माउस की हेल्प से जो हम परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट, वो जो एक्शन है माउस की हेल्प से जो हम परफॉर्म कर सकते हैं वो है आपका क्लिक और लेफ्ट क्लिक। या तो हम क्लिक करें या फिर क्या करें, लेफ्ट क्लिक करें। इट इज़ यूज्ड, तो जो लेफ्ट क्लिक हम करते हैं इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट एन आइटम, ठीक है। प्रेस डाउन वंस द लेफ्ट बटन विथ योर इंडेक्स फिंगर, तो जो इंडेक्स फिंगर होती है उसकी हेल्प से हम लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं माउस के। उससे क्या होता है कि कोई भी जो आइटम होता है वो क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। सेकंड चीज़ आती है डबल क्लिक, इट इज़ यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम और ओपन ए फाइल और ट्रिगर ए एक्शन। जब भी कोई फाइल होती है या कोई फोल्डर वगैरह होता है उस फाइल या फोल्डर को हमें ओपन करना होता है, तो उसके लिए जो हम क्लिक यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डबल क्लिक। हमें डबल क्लिक करना होता है तो डबल क्लिक करते ही वो फाइल और फोल्डर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट जो माउस की हेल्प से हम जो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो है राइट क्लिक। राइट क्लिक इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले सेट ऑफ कमांड एंड अवेलेबल ऑप्शंस। यदि कुछ ऑप्शंस उस फाइल या उस फोल्डर के साथ अवेलेबल हैं तो उन्हें ओपन करने के लिए हम राइट क्लिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो एक्शन है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। इट अलाउज टू सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यदि कोई भी आइटम या कोई भी फोल्डर वगैरह है तो ड्रैग और ड्रॉप की हेल्प से हम उसको सेलेक्ट करते हैं और एक जगह से, एक पोजीशन से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हम उसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्शन है वो है स्क्रोल। स्क्रोल हम सभी लोग जानते हैं, जैसा कि अपन ने बताया था कि माउस के अंदर, ठीक है, कई बार जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि जो माउस का जो पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर के साइड में स्क्रोल बार नज़र आ रहा है, तो स्क्रोल बार की हेल्प से मैं स्क्रीन को ऊपर और नीचे कर सकता हूँ, पेज को पेज अप और पेज डाउन कर सकता हूँ। तो ये भी, ये जो काम है हम पेज अप और पेज डाउन की से तो कर ही सकते हैं, साथ में किससे कर सकते हैं, माउस से भी इस काम को हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एक्शन है वो है ब्लॉकिंग। तो ब्लॉकिंग इज अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट, ये भी एक तरीका है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का। सेलेक्ट टेक्स्ट दैट नीड टू बी एडिटेड और फॉर्मेटेड, लेकिन यहाँ पर उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको हमें एडिट करना है और फॉर्मेट करना है। तो इस तरीके से माउस के अलग अलग एक्शंस होते हैं। माउस के अलग अलग एक्शंस के अंदर फर्स्ट एक्शन है क्लिक और लेफ्ट क्लिक, सेकेंड एक्शन है डबल क्लिक, थर्ड एक्शन है राइट क्लिक,
फोर्थ एक्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप, फिफ्थ एक्शन है स्क्रोल, और सिक्स्थ जो एक्शन है वो है ब्लॉकिंग। तो ये है डिफरेंट एक्शंस ऑफ माउस। मुझे लगता है कि यहाँ तक सभी स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। जो टॉपिक दे रखा है वो है टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। अब इसका टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? कीबोर्ड ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले सिट स्ट्रेट, हमें स्ट्रेट बैठना है। स्लाइटली बेंडिंग योर नेक फॉरवर्ड, हल्का सा हमारी जो नेक है वो फॉरवर्ड की तरफ बैंड करनी है। चेक योर कंफर्ट, हमें कंफर्ट चेक करना है कि क्या हम कंफर्टली बैठे हुए हैं। एंड सिटिंग पोजिशन ऑफ पॉइंट, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द डेस्क शुड बी अप्रोक्स 680 to 70 mm हाई। जो डेस्क होती है जिसके ऊपर हम अपना जो लैपटॉप है, हम अपना जो डेस्कटॉप रखते हैं, उसकी जो हाइट है वो लगभग 680 से 720 mm होनी चाहिए। ये एक आइडियल हाइट है जिससे हम एक अच्छी टाइपिंग स्पीड अचीव कर सकते हैं। सेकंड जो बात यहाँ पर बताई जा रही है वो है एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर देन रिस्ट। आपने जो रिस्ट है उससे आपकी जो एल्बो है वो स्लाइटली हायर होनी चाहिए वाइल ऑपरेटिंग की और माउस। जब भी हम कीबोर्ड और माउस को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारी जो रिस्ट है वो हमारी जो एल्बो है उससे हल्की सी ऊपर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, द बैक सपोर्ट शुड बी एट एन एंगल ऑफ 90 degree to 100 degree एंड सपोर्टिंग द लुम्बर कर्व। जो हमारा बैक पोर्शन है जिस जो चेयर से टच कॉन्टेक्ट में है वो 90 degree पे होना चाहिए या फिर 100 degree पे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हिप शुड बी स्लाइटली हायर देन द नी। जो हिप्स है वो स्लाइटली हायर होने चाहिए नी से। देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 फिंगर विथ क्लियरेंस बिटवीन द फ्रंट एज ऑफ द सीट एंड बैक ऑफ द नी, ठीक है। जो बैक ऑफ द नी है और जो सीट है उसके बीच में 3 उंगलियों का गैप होना चाहिए। तो ये एक करेक्ट सिटिंग पोस्चर है जब हम कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें कि ये एक करेक्ट सिटिंग पोस्चर है जो हमने डिस्कस किया है। अब आपको जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर और लाउड सुनाई दे रही है क्या? क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट का मैसेज देखा है कि जो आवाज़ है वो लाउड है, लाउड नहीं है। तो अब आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है क्या? हाँ, स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं कि यदि उनके पास ईयरफोन है तो वो ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं जिससे उनको जो साउंड है वो और बेटर सुनाई देगा। क्योंकि अभी इस लॉकडाउन के समय मैं खुद भी सिंपल हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ जो हमारे मोबाइल के साथ आते करते हैं। माइक्रोफोन की फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए जो साउंड है वो इतना लाउड नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो साउंड है वो लाउड आए। अब नेक्स्ट इसी के अंदर जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है पोजिशन ऑफ हैंड। हमारी जो हैंड की जो पोजीशन है, हाथों की जो पोजीशन है वो किस तरीके से होनी चाहिए। इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये फीमेल है, ये फीमेल किस तरीके से इसने अपने हाथों को रख रखा है, ठीक है। इसकी जो आंखें है वो 90 डिग्री के ऊपर मॉनिटर के ऊपर है। इसके जो हाथ है, ठीक है, जो एल्बो है, जो रिस्ट है, तो ये करेक्ट स्क्रीन एंगल व्यू है। इस तरीके से आपको भी जब हम टाइपिंग करते हैं या कंप्यूटर पर बैठ कर कोई भी काम करते हैं, जब हम माउस और कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, तो ये करेक्ट पोजीशन है। सेकंड चीज़ आती है कि फिगर 2.7 के अंदर दे रखा है कि किस तरीके से ये जो कैंडिडेट है, ये जो स्टूडेंट है, ये पीछे की तरफ लेटा हुआ है और लैपटॉप और डेस्कटॉप पर काम कर रहा है। तो ये जो पोजीशन है ये करेक्ट पोजीशन नहीं है। ये पोजीशन क्या है? रॉन्ग पोजीशन है। तो इससे इस तरीके से आप कभी जब भी कंप्यूटर पर बैठे करें तो इस तरीके से काम ना करें। हमेशा ये ध्यान रखें कि यदि आपको एक अच्छी टाइपिंग स्पीड अचीव करनी है विथ एक्यूरेसी एंड इफ़िशंसी, तो आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो हमेशा करेक्ट होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से बैठना करना है। अब हम बात करते हैं मॉनिटर प्लेसमेंट का, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब जो हमारा मॉनिटर है उसको हमें किस तरीके से प्लेस करना है, किस तरीके से रखना है, ठीक है। जो अपर बॉर्डर ऑफ योर स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, वो आपकी जो आई लेवल है उसके बराबर होना चाहिए ताकि हमें बार बार जो स्क्रीन है वो ढंग से दिखाई दे।
कीप एन अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 60 to 65 सेंटीमीटर फॉर 17 इंच स्क्रीन। जो 17 इंच की स्क्रीन आती है, चाहे वो डेस्कटॉप की हो या लैपटॉप की हो, उसके लिए जो अप्रॉक्सीमेट एक आइडियल जो डिस्टेंस दे रखी है, वो दे रखी है 60 to 65 सेंटीमीटर। हमारी आंखों से इतनी दूरी पर वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट। जो माउस और कीबोर्ड है, उनका प्लेसमेंट हम किस तरीके से करें? तो माउस एंड कीबोर्ड टुगेदर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको रखना है, ताकि आप स्मूथ और एफर्टलेस ऑपरेशन कर पाएँ। अब आती है चेयर और टेबल प्लेसमेंट की बात। एडजस्ट कंप्यूटर चेयर एंड टेबल टू एन ऑप्टीमल हाइट। जो टेबल और जो चेयर है, उसको एक ऑप्टीमल हाइट पे आपको एडजस्ट करना है, और आपको देखना करना है कि आप कंफर्टेबली उस पर बैठ पा रहे हैं क्या। जो वाइब्रेटिंग डिवाइसेज है, जैसे कि सपोज प्रिंटर वगैरह है, तो कोशिश ये करनी है कि जब हम प्रिंटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसको उस टेबल पे नहीं रखना है, उसको दूसरी टेबल पे रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। कुछ स्टूडेंट मैसेज कर पा रहे हैं कि स्क्रीन इज ब्लर सर। चलो मैं चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, ठीक है, स्क्रीन के अंदर। क्या अब जो स्क्रीन है वो सही दिखाई दे रही है? देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये इश्यू तो रहता करता है कि जो स्क्रीन वगैरह है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इसके लिए अच्छी चाहिए, ठीक है। तो जो भी नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल हो पा रहा है, एक बार रिफ्रेश करें। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो एक बार रिफ्रेश करें अपनी स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करें। अब जो टॉपिक है वो उनको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या? हमारा जो टॉपिक जो लिखा हुआ वो है मॉनिटर प्लेसमेंट, कि किस तरीके से हमें मॉनिटर की पोजीशन रखनी है, और किस तरीके से हमें जो माउस और कीबोर्ड है उसका जो प्लेसमेंट है वो हमें करना है, और इसी तरीके से चेयर और टेबल को भी हमें एक ऑप्टीमल जो हाइट होती है उस हाइट के ऊपर हमें प्लेस करना है। अब आती है बात के प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप। कई बार हम टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग करते समय हमारे पास कुछ मैटर होता है, तो उस मैटर को हमेशा हमें अपनी जो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, जहाँ पे भी हम कंफर्टेबल है, वहाँ पर हमें रखना करना है, और वहाँ से देख देख के हमें जो भी मैटर टाइप करना है वो हमें टाइप करना है। तो पोजिशनिंग ऑफ फिंगर ऑन द कीबोर्ड। अब स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो टाइपिंग करते समय हमने ये चीज़ जानी कि हमारी जो सिटिंग पोस्चर है वो पोस्चर किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से जो मॉनिटर है वो हमें कितनी डिस्टेंस पे रखना है, हमारी जो चेयर है हमें किस तरीके से बैठना करना है, किस तरीके से हमें हमारी रिस्ट है, किस तरीके से हमें हमारा एल्बो वगैरह रखनी करनी है। अब बात करते हैं कि जब हम टाइपिंग करते हैं, तो कीबोर्ड के समय हमें अपनी जो फिंगर्स की जो पोजिशन है वो किस तरीके से रखनी है। तो ये बहुत मैटर करता है कि जब हमें अपनी ये टाइपिंग स्पीड को अच्छा करना है, तो हमें जो हमारी जो फिंगर्स होती है उन्हें करेक्ट पोजीशन पे रखना है। तो टाइपिंग करते समय सबसे पहले हम बात करते हैं होम की की। तो मुझे स्टूडेंट बताएं कि होम की क्या होता है? स्टूडेंट बताएं होम की क्या होता है? अपन ने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, जो पिछली क्लास थी, उसमें ये चीज जाना था कि होम की। तो होम की के बारे में मुझे बताएं कि होम की क्या होता है। What is home key? Student, आपका जो साउंड है वो क्लियर सुनाई दे रहा है क्या? What is home key? हमने हमारी पिछली जो क्लास थी उसके अंदर ये चीज पढ़ी थी कि होम की क्या होती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज बताएं कि होम की क्या होती है। एक भी स्टूडेंट का मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये जो टॉपिक है होम की, ये तो हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज होम की।
मुझे लगता है कि अब जो स्क्रीन है वो और क्लियर दिखाई दे रही होगी। रिटर्न द टाइपिंग कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। गूगल से देख कर बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा है गूगल से देख कर बोल रहे हैं। द होम की इज कॉमनली फाउंड ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कीबोर्ड। द की हैज अपोजिट इफेक्ट ऑफ एंड की। स्टूडेंट, होम की का मतलब ये होता है कि वह कीबोर्ड के अंदर वह की जहाँ पर हम अपनी जो फिंगर्स है, जो उंगलियाँ उनकी पोजिशन रखते हैं, उसको हम कहते हैं होम की। तो मैंने पिछली क्लास के अंदर ही बताया था कि ASDF और JKL सेमी कॉलन, ये की कहलाती है होम की। कौन कौन सी की कहलाती है होम की? ASDF और JKL सेमी कॉलन, ठीक है। तो होम की, ठीक है, तो होम की क्लियर है सबको? तो होम की का मतलब होता है ASDF और JKL सेमी कॉलन। तो आप जैसा कि इस फिगर के अंदर देख पा रहे होंगे, पोजिशन ऑफ फिंगर ऑन द होम रो। तो होम रो स्टार्ट होती है कैप्स लॉक से, तो हमें हमारी जो लिटिल फिंगर है वो रखनी है ए पर। उसके बाद हमारी जो रिंग फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो रखनी है एस पर। फिर जो मिडिल फिंगर है वो रखनी है डी पर, और जो इंडेक्स फिंगर है वो रखनी है एफ पर। तो इसी तरीके से हमें हमारी जो राइट हैंड की जो पोजिशन है, राइट हैंड के अंदर हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो हमें रखनी है जे पर, ठीक है। जो मिडिल फिंगर रखनी है वो रखनी है के पर, और जो रिंग फिंगर रखनी है वो रखनी है एल पर, और जो लिटिल फिंगर है वो रखनी है सेमी कॉलन पे। तो ये करेक्ट पोजीशन है टाइपिंग करते समय। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करने की ये करेक्ट पोजीशन है। तो होम रो का मतलब होता है कि जब हम टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे हमारे जो फिंगर्स की पोजीशन है हमें वो किस तरीके से रखनी है। तो होम रो की कैप्स लॉक की के पास से स्टार्ट होती है, वो होती है ASDF और JKL सेमी कॉलन, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड है उसकी पोजीशन बता रखी है, और राइट हैंड की जो पोजीशन है वो इस तरीके से हमें रखनी करनी है। और हमारा जो थंब है वो स्पेस बार जो की होती है, सबसे बड़ी जो की होती है कीबोर्ड के अंदर वो होती है स्पेस बार। तो स्पेस बार के ऊपर हमें हमारी हमारा जो थंब है वो रखना करना है, और इस तरीके से हमें टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो आपकी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज यदि हम कहें, जो हम लैब के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, या फिर जिन स्टूडेंट के पास यदि खुद का लैपटॉप है या खुद का पर्टिकुलर डेस्कटॉप वगैरह है, वो घर पर भी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का उनकी जो एक्सरसाइज है वो यही रहेगी, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, कि वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करें और उसके अंदर ASDF, ठीक है, और ASDF, और उसके बाद आता है ASDF के बाद G और JKLKJH सेमी कॉलन LKJH, इन की प्रैक्टिस करें। और इन की प्रैक्टिस करते समय उनको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो ये करने हैं कि आपको कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते समय इन कीज़ को आपको नहीं देखना है, ठीक है। और हर लेटर के नीचे आपकी जो फिंगर्स है, जैसा कि मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको अपनी जो लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स है और किस तरीके से आपको अपनी जो राइट हैंड की जो फिंगर्स है उनको प्लेस करना है। कंसंट्रेट ऑन योर माइंड ऑन द टेक्स्ट, अपने माइंड के ऊपर कंसंट्रेट करना है टेक्स्ट के ऊपर, ना कि नीचे आपको देखना करना है, ठीक है। रिपीट द प्रोसेस अंटिल मास्टरी ओवर दिस एक्सरसाइज। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, इस बेसिक एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। यदि जिन लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल है या जिन लोगों के पास डेस्कटॉप अवेलेबल है, वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें आज, ठीक है। लगभग पंद्रह बीस मिनट इसको परफॉर्म करें, और धीरे 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 आप ये चीज़ देखोगे कि कुछ रूल्स और जो कुछ टिप्स वगैरह हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, उन टिप्स को, उन रूल्स को आप फॉलो करते करते 1 से 2 महीने के अंदर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं कहता हूँ कि यदि आपने 3 या 4 महीने कंटिन्यू यदि प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी टाइपिंग स्पीड देख कर आपके जो दूसरे दोस्त हैं, आपके जो दूसरे आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, और आपके जितने भी नेबर्स वगैरह, वो सब आश्चर्य करेंगे कि यार कि इतनी अच्छी टाइपिंग स्पीड कैसे है। और आज के ज़माने में मैंने बताया है कि ये बहुत मैटर करता है कि आप कंप्यूटर के अंदर कितने प्रोफिशिएंट हैं, कितने कंप्यूटर के अंदर आप एक्टिव हैं। तो इसीलिए हमें जो ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर इसीलिए क्लास 9th के अंदर मेंशन किया गया है, डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स, कि आप किस तरीके से अपनी जो कीबोर्ड की जो स्किल्स है उनको एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये एक लैब एक्सरसाइज है, जिसे हमें लैब के अंदर, हम जब स्कूल खुलेंगे तो लैब के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। और अभी आपके पास यदि ये फैसिलिटी अवेलेबल है, यदि आपके पास लैपटॉप्स वगैरह है और डेस्कटॉप है, तो आप ये परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है। तो डेली आपको, यदि डेली आप 15 से 20 मिनट यदि अपनी टाइपिंग पे देंगे, तो आराम से 3 से 4 महीने के अंदर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत अच्छा पाएंगे और दूसरे लोगों को सरप्राइज कर देंगे कि यार इतनी अच्छी टाइपिंग स्पीड इसकी किस तरीके से है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे यदि ये एक्सरसाइज यदि आपकी हो जाती है, तो वापस आपको क्या करना है कि वापस आपको ASDF JKL सेमी कॉलन। अब हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि F के जो पास है, F के पास जो की कीबोर्ड के अंदर बनी हुई है वो है G, और इसी तरीके से J के पास जो कीबोर्ड के अंदर की बनी हुई है, J के पास जो कीबोर्ड के अंदर की बनी हुई वो बनी हुई है H। तो जिस की से हम, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से हम दबा रहे हैं F को, तो उसी इंडेक्स फिंगर से हमें दबाना है G को, और इसी तरीके से जिस इंडेक्स फिंगर से हम दबा रहे हैं अपने J को राइट राइट हैंड साइड के, तो उससे हमें दबाना है H को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आज की आपकी एक्सरसाइज यही है। एक स्टूडेंट का मैसेज देख पा रहा हूँ कि सर देर इज नोटबुक ऑफ कंप्यूटर नॉट गिवन फ्रॉम स्कूल। कोई बात नहीं, यदि आपको स्कूल से कोई नोटबुक वगैरह नहीं मिली है, तो अभी आपको इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जो भी पुरानी कॉपी वगैरह है, या फिर कोई डायरी वगैरह है, कुछ पेजेस वगैरह है, उन पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज वगैरह है या जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाता है, वो आप वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो चैप्टर था, वो जो टॉपिक था वो यही था कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, मतलब टाइपिंग करते समय हमारी क्या सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, मॉनिटर का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, कि अभी आपको स्क्रीन पर ये जो PDF फाइल, ये जो फाइल है, ये फाइल दिखाई दे रही होगी, ये फाइल एक ऐप के अंदर खुली हुई है, और इस ऐप का जो नाम है वो है वन नोट। ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। और मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको सीखना चाहिए, और जब स्कूल खोलेंगे हम आपको सिखाएंगे भी। इसके अंदर आप डिजिटल फॉर्म के अंदर अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई ऑनलाइन वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, आप अलग अलग ड्राइंग टूल्स भी आते हैं, आप पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर पेन का यूज़ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर इरेजर भी है, जिससे मैं वापस उसको इरेज भी कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए, कि माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट यूज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपके जो डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप पर आपको विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना होता है, और ये ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और इसी के साथ आपको जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में जाके, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पर आपका अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आप ये जो एप्लीकेशन है ये यूज़ कर सकते हैं। तो आज का, ठीक है, इस एप्लीकेशन को सभी स्टूडेंट लिख लें। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, और इसको यदि लैपटॉप और डेस्कटॉप वगैरह हैं, तो स्टूडेंट इस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। ठीक है, इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। और आज का आपका जो असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड आपको हर स्टूडेंट को 20 MCQ आज के आज ही करने, और शाम तक और सुबह तक अपनी क्लास से पहले ये जो असाइनमेंट है ये अपने ग्रुप के ऊपर सबमिट करना है। तो आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपको 20 MCQ इस चैप्टर के करने हैं, जहाँ तक ये चैप्टर अभी तक जितना ये चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो क्लियर है। इसी के साथ मैं एक बार सबको थैंक यू बाय कहना चाहूँगा। स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।